स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मेकाहारा और डीकेएस अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में बैठक आयोजित की गई, जहां मेकाहारा को प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट अस्पताल बनाने के लिए कई निर्णय भी लिए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 साल से बंद वेट स्किन मशीन को जल्द ही चालू किया जाएगा। वहीं देश भर में हो रही घटनाओं को देखते हुए उन्होंने बाबा बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी अस्पताल में और बाबा बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज में रखने का फैसला किया। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा की बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था और ऑटोनॉमस बॉडी की मेकाहारा और डीकेएस दोनों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जो मेकाहारा हॉस्पिटल है उसको प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने हेतु समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठकर निर्णय किए और उस दिशा में बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने हेतु सहमति लिया गया। इसमें मुख्य रूप से 7 साल से जो पेट स्कैन मशीन जो बंद है उसको 3 महीने के अंदर प्रारंभ करने हेतु निर्णय लिया गया है। उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होंगी वो चलते रहेंगे, लेकिन उसके स्थापना के भी काम साथ के साथ चलते रहेंगे। उसी प्रकार से सुरक्षा को लेकर जो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त करना था, जिसकी पहले भी चिंता हम सब लोगों ने किया था बंगाल की घटना को देखते हुए, तो उसके लिए 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु निर्णय किया गया है।